हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशी की बात शेयर करने वाली हूँ। आज जब सुबह सुबह मैंने अपने फ़ोन में मैसेज देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअली बात यह है कि मेरी YouTube से फर्स्ट पेमेंट आ गई है। और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक मम्मी को बताया नहीं है, क्योंकि मैं मम्मी को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। तो पहले अभी मैं अपना थोड़ी डेली रूटीन का काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, मतलब बाहर, पैसे निकलवाने के लिए। और फिर सीधे मैं मम्मी से ला के ही दूँगी और फिर मम्मी का रिएक्शन देखूँगी, क्योंकि यार मेरे से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा, मतलब मम्मी वेट कर रही थी इस चीज़ का। मुझे लग रहा है मम्मी को बहुत खुशी मिलेगी और मम्मी को इतना सा भी आइडिया नहीं है, इतना सा भी कि ऐसा कुछ है आज। बिल्कुल सरप्राइज़ है ये एक तरह से मम्मी के लिए। तो चलो अभी मैं अपना डेली रूटीन का थोड़ा बहुत काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाहर चलते हैं और मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। ओके, आज खाना तो मैंने बहुत जल्दी, मतलब सुबह ही बना के तैयार कर दिया था, क्योंकि कल आपने मिनी व्लॉग में देखा होगा कि कल हम सबका एकादशी का फास्ट था। तो यार ऑफकोर्स फास्ट के अगले दिन थोड़ी जल्दी भूख लग जाती है सबको ही, तो थोड़ा जल्दी खाना चाहिए होता है। इसलिए आज सुबह सबसे पहले उठते ही मैंने पहला काम यही किया था, खाना तैयार करना। और एकादशी के अगले दिन हमारे घर में चावल बनते हैं, तो आज मैंने खाने में बनाया है ये साबुत चने की सब्जी। ऑफकोर्स राइस तो बनने ही थे, ब्राउन राइस। तो ये आज मैंने खाने में बनाया है। अब जब जिसका मन करेगा सब खाना खा सकते हैं। और अभी मैं शुरू कर रही हूँ अपना डेली रूटीन का काम, जिसमें मेरा पहला काम है स्पीयरमेंट टी। तो पहले मैं स्पीयरमेंट टी बना के पी लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। स्पीयरमेंट टी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। अब जैसे मैंने अपने लिए बनानी है तो मैंने एक कप पानी लिया है। पीछे रखती हूँ ये, आज ऊपर किसने रख दी, यहाँ पे रखती हूँ ये, मेरे हाथ नहीं आएगी। गई तो ये पानी बॉईल हो गया है, देख चुनमुन चुनमुन हो रहे है पानी में। तो पहले बंद कर दे, चुन 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 चुन। तो अभी गैस बंद करके और एक टेबल स्पून लीव्स डाल के और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो, सॉरी 1 टीस्पून, ये टेबल स्पून नहीं है, ये टीस्पून है। बन के हो गई है तैयार। हनी ख़त्म हो गया, हनी और नींबू मिला के ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज हनी घर पे नहीं है। और नींबू मैंने जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना होठ पे 2 छाले हो गए हैं, तो नींबू मेरे को ऐसे चुभता है। तनाजी का घर बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिले तो तन किस लगे, बहुत खुशी अच्छा लग गया। कितना अच्छा लग गया, बहुत घनो अच्छा, इतना भी लग गया कि भी। और फिर अगर उस खुशखबरी में तूने गनु खुश हुआ कदे आगे टेकला हो जाए ना, और फिर उसमें हम पार्टी करा तो ना, पार्टी तो तेरे पार्टी नहीं भाई, रोज बात छोटी सी, अगर थोड़ी सी पार्टी भी कर ले तो छोटी गोनी हो थारी, छोटी ना हो ना, छोटी सी चीज कर ले, मैं देखूं खुशी की चीज है, बड़ी खुशी है, बुड्ढी इतनी बॉडी यार, तू सर मामा जाम डूब जाइए। तो मैंने बहुत क्या, तो मैंने उस खुशी को बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, ऐसी खुशी है ठीक है। तो चाय पीने के बाद अभी मेरा हो गया है एक्सरसाइज टाइम। और पता है, एक तो सुबह सुबह है ना बहुत जल्दी धूप निकल जाती है, और फिर खाना वाना बनाती हूँ ना तब तक इतनी धूप हो जाती है कि मन ही नहीं करता पार्क में। अभी हम शाम को जाते हैं, मतलब सुबह तो मेरे को बहुत दिन हो गए पार्क में गए हुए, लेकिन शाम को मैं और मम्मी लगभग डेली जाते हैं पार्क में। और मैंने अभी सबसे ज़्यादा वैसे सूर्य नमस्कार पर फोकस किया हुआ है 108 तक पहुँचने में, तो अभी मैं उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो आज मुझे करने हैं 90 सूर्य नमस्कार, तो चलो शुरू करते हैं। Thank you.
फाइनली आज के 90 सूर्य नमस्कार मतलब बिल्कुल कंटिन्यू पूरे हो गए। फर्स्ट वाले की जब मैं बोल रही थी कि पहला है तो आपने हालत देखी होगी, और अब मेरा हुलिया देख लो एक बार, इतने पसीने और मतलब बिल्कुल थक चुकी हूँ देखो। पर 108 के बहुत करीब हूँ मैं, शायद एक दो दिन में, कल कोशिश करूँगी, कल ही नहीं तो परसों, तो ऑफकोर्स मैं 108 जो मेरा टारगेट कई दिन से रखा हुआ है 108 सूर्य नमस्कार का, वो मैं अचीव कर लूँगी। और लास्ट तक यार हालत तो सही में बहुत बुरी हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब थक जाता है, लेकिन अच्छा बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि इसमें पूरी बॉडी की एक तरह से स्ट्रेचिंग होती है। ऐसा लगता है रनिंग भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, योगा भी कर लिया, मतलब सब कुछ कर लिया ऐसा लगता है सूर्य नमस्कार करने के बाद। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करके मतलब पसीना सुखा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। अरे क्या सरप्राइज है, आज क्या कर रही थी वहाँ चुप चुप है? मन ना करो मेरे दिन ना बताई, तेरे सारो बेरो सी है तो मत करो भाई ना बेरो। तो सरप्राइज हो है। फिर भी थोड़ा बंदे ही बता दे। ये सब कोई सरप्राइज को नहीं, इन्होंने तो बुला रही हम। बुलाओ तो कोई नहीं, सब तो मिन की मिन गाड़ा माड़ा, क्या बात तो सर सर कोई बात। तो एप्पल और सीड्स वगैरह खाने के बाद अपना कार्ड ढूंढ के हम निकले मार्केट के लिए। मार्केट जा रही हूँ सब्जी वगैरह लेने। जाओ जाओ। आपके लिए कुछ लाना है? मेरे लिए कुछ नहीं लाना। ओके जल्दी आना। ओके बाय बाय। बाहर निकले तो धूप बहुत थी, लेकिन फिर मार्केट से होके हम सबसे पहले एटीएम गए और मैं पैसे निकलवाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। फिर हमने पैसे निकलवाए और थोड़ी कुछ शॉपिंग करने के लिए चले गए। वहाँ जाके मैंने सब्जियाँ वगैरह देखी, वो तो अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बनाना का गुच्छा था जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, काफ़ी सुंदर था, वो हमने ले लिया। फिर मखाने दिखे तो वो घर पर ख़त्म हो रखे थे, फिर मैंने वो मखाने का पैकेट भी भर लिया। तो सोचा कि इसको बंद कैसे करूँगी, फिर मैंने कुछ एक अलग सी तरकीब लगा के उसको बंद किया। बस ऐसे ही ज़रूरत वाला सामान लेके वहाँ से निकल लिए। फिर हम गए मिठाई की दुकान पर, क्योंकि खुशी का दिन था तो मिठाई तो लेनी थी। वहाँ से कुछ मिठाइयाँ हमने पैक कराई और अपने खाली बैग को फुल करके घर की तरफ चल दिए। घर पहुँचने के बाद अब टाइम आ गया था मम्मी को सरप्राइज़ देने का, और मैंने मम्मी की आइज़ क्लोज करा के जब पैसे हाथ में दिए, देते ही मम्मी समझ गई कि किस चीज़ के पैसे हैं। मम्मी के चेहरे पर अलग ही लेवल की खुशी थी, सच में सब बहुत खुश हुए। फिर हमने मिठाई का बॉक्स ओपन किया और हम सब ने मिठाई खाई। हम इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो गाइस ये थे आज मेरा खुशी का दिन, और जो भी मेरा स्पेशल मोमेंट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मम्मी को जो मैंने सरप्राइज़ दिया मम्मी को ऑब्वियसली बहुत पसंद आया। और वैसे आपको एक बात बता दूं कि मेरे चैनल को 1 साल से ऊपर हो गया है, और जो पेमेंट आई है वो लगभग 1 वीक की है, और जो मिनिमम अमाउंट होता है उसके आसपास ही मतलब पेमेंट आई है। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सपोर्ट के लिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। बाय बाय।